हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट थ्री। इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिलीवरी की। कितनी तरीके की डिलीवरी हो सकती है, ठीक है? इसके ऊपर अपनी डिस्कशन करते हैं। सी, अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिलीवरी। वन इज एक्चुअल डिलीवरी, सेकेंड इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड द थर्ड वन इज सिंबॉलिक डिलीवरी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट इज, बड़े ध्यान से एक चीज सुनना और समझना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, और ऐसा समझेंगे कि जिंदगी भर ना भूलें, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी इज बेसिकली द फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। कि अगर गुड्स को फिजिकल डिलीवर किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल डिलीवरी। लाइक ए ने बी से गुड्स परचेज किए और बी ने, जैसे जैसे ए ने बी को शर्ट्स का ऑर्डर दिया कि 10 शर्ट्स चाहिए, तो बी ने वो 10 शर्टें ए को उसी समय दे दी, तो दिस विल बी टर्म्ड एज व्हाट, एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल, इसके अंदर कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है। द नेक्स्ट वन इज द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिम्बॉलिक। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, डिलीवरी बाय आप कह सकते हैं एक्नॉलेजमेंट। क्या बोला मैंने, डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। ये क्या होता है सर, डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट? बड़े आराम से एक एक चीज सुननी और समझनी है, कोई इसमें आपको डाउट नहीं आएगा। इसको और सिंपल लिखता हूं मैं आपके लिए, दैट इज डिलीवरी विदाउट चेंज इन कस्टडी और पोजेशन, विदाउट चेंज इन कस्टडी और पोजेशन। अब है क्या ये चीजें, आइए जरा समझते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्लियर करता हूँ, उसके बाद सिम्बॉलिक डिलीवरी के ऊपर आऊंगा, ठीक है? एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के। बड़े ध्यान से एक एक चीज सुनना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है? किसी भी तरीके से ट्रू फॉल्स की सेंस में आपसे बोल ही दिया कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डिलीवरी इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है? सपोज ए जो है वो सेलर है और बी जो है वो बायर है, ठीक है? अब बी ने कुछ गुड्स खरीदे ए से, ठीक है, और गुड्स जो हैं आर इन पोजेशन ऑफ ए। गुड्स किसके पोजेशन में है, ए के पास है, ठीक है? पोजेशन और ओनरशिप में डिफरेंस होता है। पोजेशन का मतलब होता है कस्टडी, क्या कस्टडी, जबकि प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज ओनरशिप, प्रॉपर्टी इन गुड्स, या आप कह सकते हो ओनरशिप इन गुड्स। अभी मैं आपको यहाँ पे और अच्छा क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखिए। ए सेलर है, गुड्स उसके पास है, बी ने उस गुड्स को बाय किया, ठीक है, और बी ने आफ्टर बाइंग द गुड्स, आफ्टर बाइंग गुड्स, बी रिक्वेस्टेड ए टू hold the goods on his behalf for some time. B ने request किया A को कि आप ही इन goods को अपने पास hold करो कुछ समय के लिए, जब होगा मैं आपके पास से ले जाऊंगा। समझ में आई बात? So A agrees on से, या इसी में लिख देता हूं, A agrees ऑन दिस, ए जो है वो इस पे एग्री हो जाता है, ठीक है? सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कि यहां पर बी को गुड्स बिक गए हैं, फिर बी रिक्वेस्ट कर रहा है ए से कि आप इसे कुछ गुड्स को कुछ अपने कुछ समय तक अपने पास रखिए, जब होगा मैं अपने आप ले जाऊंगा, ठीक है? तो यहां पर दिस विल बी टर्म्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इट्स नॉट अ फिजिकल डिलीवरी, इट्स नॉट अ एक्चुअल डिलीवरी, दिस विल बी टर्म्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। समझ पाया? तो ध्यान से देखिए, इसको हम टेक्निकल वर्ड्स ऑफ लॉ में कैसे लिखेंगे, आफ्टर
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, यस और नो। सेलर एग्रीज टू कीप द गुड्स विद हिमसेल्फ, अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है, टू कीप द गुड्स विद हिमसेल्फ एज बेली ऑन बिहाफ ऑफ बायर। ठीक है, बेली का मतलब समझे आप? बेली क्या होता है कि सपोज मैं आपको छोटे से एग्जांपल से दूं, समझाता हूं। मैंने अपनी कार सर्विस के लिए दी, ठीक है, तो जिस गैरेज में मैंने अपनी कार सर्विस के लिए दी तो सर्विस हो जाएगी, उसके बाद वो मुझे कार वापस कर देंगे। तो अगर आप अपने गुड्स किसी को देते हो फॉर सम पर्पस, कि जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाए तो आप गुड्स वापस कर देना, तो दैट इज कॉल्ड एज बेलमेंट। उसको क्या बोला जाता है? बेलमेंट। ठीक है, इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक बेलर और एक बेली। मैं आपको बता लिख देता हूं कहीं पर, चलिए यहां लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होते हैं इसके अंदर हमारी दो पार्टीज होती हैं, वन इज बेलर और सेकंड इज बेली। ठीक है, तो बेलर होता है जो ओनर ऑफ गुड्स है, ठीक है, और बेली कौन है? जिसके पास गुड्स का पोजेशन है, हैविंग, जिसको कस्टडी दी गई है, पोजेशन ऑफ गुड्स, जिसके पास गुड्स की कस्टडी है। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, गुड्स बायर ने खरीद लिए, यहां पर यही हुआ था ना, गुड्स बायर ने खरीद लिए, ए एंड बी जो था बायर था उसने गुड्स खरीद लिए। गुड्स खरीदने के बाद उसने रिक्वेस्ट किया ए को कि यार अपने पास ही रखो, जब जरूरत होगी मैं ले जाऊंगा। तो यहां पर जो बेलर है वो कौन हुआ? बायर, और बेली कौन हुआ? सेलर, वो गुड्स की कस्टडी अपने पास रख रहा है। समझ में आई बात? देखिए जरा, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेलर एग्रीज टू कीप द गुड्स विद हिमसेल्फ एज बेली ऑन बिहाफ ऑफ बायर। क्लियर है यहां तक? शो। तो मैंने आपको क्या लिखा था? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरीज बाय एक्नॉलेजमेंट, कि ठीक है मैं मानता हूं, डिलीवरी विदाउट चेंज इन कस्टडी। क्या यहां कस्टडी चेंज हुई? पहले भी गुड्स सेलर के पास थे, अब भी गुड्स सेलर के पास ही है, कोई कस्टडी के अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं आया, विदाउट चेंज इन कस्टडी और पोजेशन। समझ में आ गया पक्का? चलो एक और एग्जांपल दूं मैं आपको इसका, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सपोज ए जो है उसने कुछ गुड्स भेजे थे, सेंड किए थे बी को, ठीक है, ए ने कुछ गुड्स भेजे थे किसको? बी को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कुछ नहीं हुआ था, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल बेसिस पर गुड्स भेजे थे, ठीक है। अब हुआ क्या, बी को वो गुड्स पसंद आ गए और बी ने उसे बाय कर लिया, तो बी बायर हो गया, ए क्या हो गया यहां पर? सेलर हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस केस में जब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बाय ए टू बी, ठीक है, तो कैन आई से उस समय ए जो था वो ओनर ऑफ गुड्स था? यस और नो? जब गुड्स भेजे गए थे, ठीक है, और बी को भेजे गए थे, तो बी वॉज होल्डिंग द पोजेशन ऑफ गुड्स, होल्डिंग पोजेशन ऑफ गुड्स, पोजेशन ऑफ गुड्स जो है, कस्टडी ऑफ गुड्स जो है वो किसके पास थी? बी के पास थी। यस और नो? शो। नाउ ए जो है वो ओनर ऑफ गुड्स है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? बेलर। और यहां पर ये कौन है? बेली। कब तक? जब तक गुड्स भेजे हैं, ठीक है। ये सिनेरियो था बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब गुड्स भेजे गए थे अप्रूवल के लिए। यहां पे आपको मेरी बात समझ में आती है पक्का? शो। नाउ अब समझिए, बी ने अप्रूव कर दिया कि हां मैं गुड्स को बाय करूंगा, सो आफ्टर अप्रूवल ऑफ बी, नाउ क्या सिचुएशन है? बी इज ओनर ऑफ गुड्स, यस और नो? बी जो है वो बायर की कैटेगरी में है, ओनर हो गया, ठीक है, और बी
ए अब ओनर नहीं है, अब ओनर कौन बन गया है, बी बन गया, बी इज द ओनर ऑफ गुड्स और यू कैन से एज ए बायर, ठीक है, और ए इज सेलर ऑफ गुड्स। अब ध्यान से समझिए, क्या यहां पर ए को बी को कोई गुड्स की डिलीवरी देने की जरूरत है? नहीं, बी के पास तो ऑलरेडी गुड्स हैं, यस और नो? जस्ट उसने हाँ बोला, अब उसका ओनरशिप राइट भी आ गया, पोजेशन उस पर ऑलरेडी था, यस और नो? तो यहां पे कोई कस्टडी चेंज नहीं हुई, कोई कस्टडी चेंज नहीं हुई। आप देखिए ना क्या लिखा होता, डिलीवरी विदाउट चेंज इन कस्टडी और पोजेशन। गुड्स डिलीवर हो गए, गुड्स डिलीवर हो गए बी को, कैसे? बी ने जैसे ही अप्रूवल दिया कि हाँ ठीक है गुड्स मैं रखने के लिए तैयार हूं, मुझे पसंद आ गए। तो अगर आप समझें ये एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या, वेयर बायर इज ऑलरेडी होल्डिंग द पोजेशन ऑफ गुड्स एज जो बायर है वो ऑलरेडी होल्ड कर रहा है पोजेशन ऑफ गुड्स एज बिली, ठीक है, लेटर ऑन बिकम्स द ओनर, या मैं इसको और अच्छा लिखूं, एग्जैक्ट लॉकिंग, वेयर पर्सन इज होल्डिंग ऑलरेडी होल्डिंग द पोजिशन ऑफ गुड्स एज बेली लेटर ऑन बिकम्स द ओनर और बायर ऑफ गुड्स, देन नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड, सॉरी गुड्स आर रिक्वायर्ड, यस और नो? आया ना शो? तो यहां पर आप अगर केस को समझ रहे हैं अच्छे से कि गुड्स ऑलरेडी बी के पास है, जस्ट उसने एक्नॉलेज किया कि हाँ मैं गुड्स अपने पास ओनरशिप भी लेने के लिए तैयार हूं, तो यहां पर ए की तरफ से जो बी को डिलीवरी कहलाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यहां पर जो डिलीवरी हुई है वो हुई है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है? तो यहां पर हेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ उसके अंदर कौन सी डिलीवरी की गई, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज मेड। आप कहेंगे सर आपके दिमाग में आ रहा है, सर पहले तो फिजिकल डिलीवरी भी हुई थी ना, ए ने बी को गुड्स भेजे थे, अबे तो निकम्मो एक बात बताओ, उस समय गुड्स भेजे थे अप्रूवल बेसिस पे, ठीक है, जब गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजे थे एट दैट टाइम नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एट दैट टाइम देर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं था, या था कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उस समय नहीं था, समझ में आई बात श्योर? तो अगर गुड्स अप्रूवल पे भेजे उस समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं था तो उस समय डिलीवरी की बात ही नहीं आती, डिलीवरी तो पिक्चर में कब आता है, द टाइप्स ऑफ डिलीवरी कम्स इन टू द पिक्चर वेन देयर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ऑब्वियसली अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया तो उसके बाद डिलीवरी जरूर होगी गुड्स की, यस और नो? तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि गुड्स जब अप्रूवल पे भेजे थे तब तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही नहीं था, अब जब बी ने बोल दिया कि मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो कौन सी डिलीवरी करी है ने बी को, फिजिकल डिलीवरी तो नहीं करी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद करी नहीं, तो बट ये कौन सी डिलीवरी कहलाएगी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहलाएगी, कि यस इट इज द डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट, ए एग्री करता है बी एक्सेप्ट करता है, कोई चेंज इन कस्टडी या चेंज इन पोजेशन नहीं हुआ, समझ में आ गई बात आपको मेरी पक्का, कोई डाउट इसके अंदर शो? चलिए एक और एग्जांपल मैं इसका आपको देता हूं, ध्यान से देखिएगा, सपोज ए जो कि सेलर है, ठीक है, उसके गुड्स पड़े हुए हैं किसी वेयर हाउस में, वेयर हाउस में गोदाम में उसके गुड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, अब ये जो सेलर है ये अपना बिजनेस बंद करके जा रहा है, शिफ्ट कर रहा है, उसने ऑल गुड्स जितने भी गुड्स थे उसके पास बी को बेच दिए, ठीक है, बी कौन है, बायर है, जितने भी गुड्स उसके वेयर हाउस में पड़े हुए थे वो उसने उठा के किसको बेच दिए, बी को, ठीक है, एंड बी ने
क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो वेयर हाउस ए ने ले रखा है, ये वेयर हाउस ए ने ले रखा था ऑन रेंट, ठीक है, किराए पे उसने रेंट पे ले रखा था। तो यहां पर ए ने क्या किया, जो वेयर हाउस के ओनर थे, जो वेयर हाउस के ओनर थे उनको कॉल किया और ये बोला कि भैया मैंने अपने सारे गुड्स जो हैं वो बी को बेच दिए, अब उन गुड्स पे मेरा राइट नहीं है, बी उसे यूज करेंगे, आगे आपको रेंट भी बी देंगे और जो गुड्स हैं उसके अंदर पड़े हुए वो सारे बी के हैं, ठीक है। हुआ क्या, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बी ए इन्फॉर्म्ड टू वेयरहाउस ओनर दैट गुड्स आर नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ, जो गुड्स हैं वो किसकी प्रॉपर्टी हैं, गुड्स जो हैं अब प्रॉपर्टी हैं ए की, गुड्स आर नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ बी, ठीक है। शो वेयरहाउस ओनर एक्नॉलेजेस द सेम, उसने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया, मान लिया, ओके। सहमति देना, एक्नॉलेजेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एग्री करना, एक्नॉलेजेस द सेम, ठीक है। तो यहां पर भी जो गुड्स की डिलीवरी हुई वो कैसे हुई, बाय एक्नॉलेजमेंट, कोई फिजिकल मूवमेंट इसके अंदर नहीं हुआ, वो गुड्स अपनी जगह ही पड़े हुए हैं, बस अब उनका ओनरशिप जो है वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, समझ में आई बात। तो इसी चीज को अगर टेक्निकली लिखें हम तो कैसे लिख सकते हैं, वेयर अ पर्सन इज होल्डिंग द गुड्स, होल्डिंग द पोजेशन ऑफ गुड्स एज बेली। देखिए यहां पर ये जो वेयर हाउस ओनर है वो एक तरह से कौन है, बेली है, हाँ या ना, उसके पास गुड्स पड़े हुए हैं उसके वेयर हाउस में, एज बेली ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, सेलर के बिहाफ पे, एक्नॉलेजेस टू होल्ड द सेम, एक्नॉलेजेस टू होल्ड द सेम ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, ऑन बिहाफ ऑफ बायर, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो मैंने आपको तीन केसेस बता दिए डिफरेंट डिफरेंट जो हो सकते थे, ठीक है, मोर देन सफिशियंट है, और होती क्या है, बाय एक्नॉलेजमेंट दैट इज विदाउट चेंज इन कस्टडी और पोजीशन। देखो पढ़ने को तो ऊपर ऊपर से भी चीजों को पढ़ा जा सकता है, लेकिन एक बार इन डेप्थ आप समझ लोगे ना, कोई आपके दिमाग के अंदर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हमें सिर्फ क्या पढ़नी है, सिम्बॉलिक डिलीवरी, ठीक है। देखिए सिम्बॉलिक डिलीवरी के अंदर क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना, मीन्स ऑफ obtaining possession of goods is delivered, जो तरीका है गुड्स का पोजेशन लेने का उसी को डिलीवर किया जाता है। अब ये क्या लिख दिया सर आपने, एक मिनट रुको, अभी दो एग्जाम्पल से सब समझाता हूं। सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप एक स्वीट शॉप पे गए, ठीक है, और आपने ऑर्डर किया कि भाई मेरे को ना 1 kg एक स्वीट चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब आपने ऑर्डर किया 1 kg ये स्वीट चाहिए, सपोज आप हल्दीराम पे गए, ठीक है, उसने आपको एक स्लिप दी, ठीक है, और उस स्लिप को आपको जाके काउंटर नंबर 3 पे शो करना है, ठीक है। आपको उसने एक स्लिप दी ऑर्डर देने पे, ठीक है, ये स्लिप आपको मिली पेमेंट काउंटर पे, यही होता है जनरली, पेमेंट काउंटर पे हमें स्लिप मिल जाती है, उसके बाद उसे काउंटर नंबर 3 पे शो करना है और वहां से आपको गुड्स रिसीव करने हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपको स्लिप मिली है जिसको दिखाकर आपको गुड्स रिसीव होंगे, तो इस स्लिप का मिलना इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक डिलीवरी, मींस ऑफ ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ गुड्स, जो तरीका है किस चीज का, ऑफ ऑब्टेनिंग पोजेशन दैट इज द कस्टडी, गुड्स की कस्टडी लेने का जब वो डिलीवर किया जाता है, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। तो यहां जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ स्वीट शॉप के साथ, कि मैं बायर हूं, मुझे गुड्स लेने हैं, ठीक है, और वो गुड्स बेचेंगे, ठीक है, तो जैसे ही वो मुझे स्लिप देते हैं उसकी अगेंस्ट द पेमेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिंबॉलिक डिलीवरी, बिकॉज बाय शोइंग दैट स्लिप आई कैन रिसीव द गुड्स फ्रॉम द काउंटर नंबर 3,
Very simple example. Let us take a technical example now. Suppose मैंने यहाँ से दिल्ली से goods जो है वो sent किए, goods sent किए मुंबई, ठीक है? कुछ goods मुझे यहाँ से भेजने थे अब किसी buyer को, ठीक है? अब ये goods जो मैंने sent किए, ये through sent किए by railway. ठीक है, तो रेलवे के अंदर क्या होता है कि जब आप गुड्स ट्रांसपोर्ट में लगाते हैं तो आपको एक रिसीट मिलती है जिसको बिल्टी बोला जाता है, जिसको मैं यहां बोल देता हूं रेलवे रिसीट. क्या बोल देता हूं? रेलवे रिसीट. ठीक है, तो जब मैंने वो गुड्स सेंड किए बाय रेलवे तो मुझे क्या मिली? रेलवे रिसीट मिली. उसके अगेंस्ट यस और नो? अब ये रेलवे रिसीट मुझे कहां मिली है? दिल्ली में. इस रेलवे रिसीट की एक कॉपी आज के टाइम पे तो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से फोटो खींच के, नहीं तो पहले क्या होता था बाय पोस्ट मैं भेज दूंगा कहां पर? मुंबई में. ठीक है, सो नाउ इन मुंबई, जो मुंबई के अंदर जो भी उस स्लिप को दिखाएगा, हूसोएवर विल शो द स्लिप, जो भी उस स्लिप को दिखाएगा, उस रिसीट को दिखाएगा, विल गेट द पोजीशन ऑफ गुड्स. उसको जो है गुड्स का पोजीशन मिल जाएगा. हाँ या ना? तो यहां पर भी देखो मैंने क्या किया, जो रेलवे रिसीट मिली थी वो ट्रांसफर कर दिया आगे कि मुंबई में आप रेलवे में जब वो गुड्स पहुंच जाएंगे तो आप वो वहां पर स्लिप दिखाना, उसके अगेंस्ट वो आपको गुड्स दे देंगे. सो दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बॉलिक डिलीवरी. तो सिम्बॉलिक डिलीवरी के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसा means of obtaining possession of goods, मतलब जिससे आपको goods मिलने हैं, जिस चीज़ को दिखा के जब वो आपको transfer की जाती है, that is called as symbolic delivery. समझ में आ गया? So ये थे हमारे basically types of delivery, actual, constructive, symbolic. Actual is the physical, constructive is by acknowledgement, and symbolic is by means of obtaining possession, means of obtaining possession of goods are delivered. ठीक है, अब देखते हैं हमारी books में इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है. देखिए, delivery forms actual delivery, physical delivered to the buyer, constructive which is effected without any change in custody or actual possession by atonement या acknowledgement. एक ही बात है, word याद रखना है, atonement. ठीक है, example where a warehouseman holding the goods agrees to hold them on behalf of B. ये मैंने आपको example दिया था. Third, दो और भी दे दिए. Symbolic delivery of a thing in token or a transfer of something else that is delivery of goods of course of transit made by handing over documents or title of goods. थोड़ा सा technical words में लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आपको इतनी exactly करने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने आपको बताया simple words में वो कर लो, ज़्यादा better है. बाकी इसको भी समझ लो, delivery of a thing in a token of a transfer of something else. Something else क्या था यहाँ पे? वो जो railway slip थी. समझ में आया? Sure. तो ये सिंबॉलिक डिलीवरी है, बेटर है जो डेफिनेशन मैंने बताई है वो करें. अब गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में कब बोला जाता है? तो गुड्स आर सेट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच अ कंडीशन दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ देम. मतलब जब बायर उसकी डिलीवरी ले सकता है, वो 100% रेडी है, तब बोला जाता है गुड्स जो है डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है. फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल टिम्बर एंड मेक्स बंडल देयर ऑफ. ठीक है, द गुड्स विल बी इन डिलीवरेबल स्टेट जब ए उसको बंडल बना देगा. ए हैज पुट द गुड्स इन सच अ कंडीशन. क्लियर? तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ डिलीवरी. अब इसके बाद हम थोड़ी सी डेफिनेशंस और हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, मर्केंटाइल एजेंट, प्रॉपर्टी, इंसॉल्वेंट प्राइस, क्वालिटी ऑफ गुड्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. थैंक यू.